व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आप अपने बच्चे को जीनियस किस तरीके से बनाएं। हर एक पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा हर चीज में अव्वल दर्जा हासिल करे, हर चीज में फर्स्ट आए। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आप अपने बच्चे को बहुत काबिल बना सकते हैं, उसको जीनियस बना सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोशिश ये करें, जब बच्चा छोटा है, मैं टॉडलर की बात कर रही हूँ, जब बच्चा छोटा है तभी से आप उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दें। 2 से 5 साल तक के बच्चे को जितना ज़्यादा आप सिखा सकती हैं उतना ज़्यादा सिखाएं, क्योंकि ये एक रिसर्च में कहा गया है कि 5 साल तक के बच्चे बहुत जल्दी हर चीज़ को ग्रेस्प करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं हर चीज़ को। तो कोशिश ये करें कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें 5 साल की उम्र तक सिखा दें। सबसे पहली उनमें बात आती है मैनर्स की, आप मैनर्स सिखाएं, आप उनका एटीट्यूड जो है वो चेंज कर दें, बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग ढाल लें, जैसा आप चाहते हैं उनको बनाना वैसा बनाएं। और सबसे बड़ी बात, बच्चा वो ही सीखता है जो वो देखता है। तो कोशिश ये करें जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं वही चीज़ें आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। दूसरा पॉइंट मैं चाहूँगी बताना कि अपने बच्चे को मोटिवेट करना सीखें। आप अपने बच्चे को जितना ज़्यादा हो सकता है मोटिवेट करें, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो खेल कूद में हो, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो, हर तरह से अपने बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके मोटिवेट कीजिए। आप अपने ऊपर एग्जांपल लेकर देखिए, जब आप खाना बनाती हैं तो आप ये उम्मीद रखती हैं कि जब कोई खाना खाएगा, आपके हस्बैंड खाना खाएं, तो वो आपके खाने की तारीफ़ करें। ये तो हर एक औरत उम्मीद रखती है, तो यही चीज़ बच्चा भी रखता है। जब वो कोई काम करता है तो वो ये चाहता है उसे वाहवाही मिले, उसे मोटिवेशन मिले। तो हर चीज़ पर उसको सराहिए, हर काम पर उसको मोटिवेट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, ताकि वो आगे और अच्छा कर सके। अपने थर्ड पॉइंट है, अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप टाइम उनके साथ बिताएंगे आप उनको बेहतर समझेंगे, वो आपको बेहतर समझेंगे। तो एक दूसरे के समझने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के लिए निकालें, और उस टाइम में कोशिश ये करें मोबाइल अपने से दूर रखें। सिर्फ और सिर्फ वो टाइम बच्चे के लिए होना चाहिए आपका, और किसी चीज़ के लिए नहीं। फोर्थ पॉइंट ये बताना चाहूँगी, जब आप रात में लेटें बच्चों के साथ तो उनको स्टोरीज सुनाइए, स्टोरीज के थ्रू, खासकर मोरल स्टोरीज जिनसे एक मैसेज मिलता है बच्चे को। तो उन मैसेजेस के थ्रू आप बच्चे को समझाना शुरू कीजिए, देखिएगा आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे आप, कि बहुत जल्दी वो हर चीज़ को एकदम ग्रेस्प करता है और कितने चेंजेस उसमें आते हैं। मैं अपनी बेटी का एग्जाम्पल देती हूँ, अब वो 4.5 साल की है, तो मैंने अब उसको पोएम्स तो बहुत कम देखती है, वो खुद से स्टोरीज चाहती है कि मैं उसको स्टोरीज दिखाऊं। तो आप जब वो क्या करती है, स्टोरीज देखती है तो वो मुझे पूरी स्टोरी का सुनाती है, और उसके बाद मोरल ऑफ द स्टोरी ज़रूर सुनाती है कि मम्मा ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपने बच्चे को स्टोरीज सुनाएं और उसके थ्रू उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लिंक करें। उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे जब आप अपनी लाइफ में इसको लेकर आएंगे, इन पॉइंट्स को अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।